हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास सेवन साइंस चैप्टर नंबर सेकंड। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, आज हम करेंगे डिस्कस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, इसमें जो आपके एनिमल्स होते हैं काउ, बफेलो, लायन, डियर, ये और आपके जो ह्यूमंस जैसे हम हैं, इंसान हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये न्यूट्रिशन कैसे कैसे लेते हैं, कि फूड हैबिट्स के बेस पे आप इनको किस किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा टारगेट जो था हमने वो डिसाइड कर लिया है, तो लेट ना करते हुए हम क्या करते हैं, अपने टारगेट की तरफ मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, इससे पहले आपने जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था उसमें पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। अच्छा, उसके अलावा आपने उस चैप्टर में यह भी पढ़ा था कि न्यूट्रिशन जो होता है वो मोड, उसके दो मेनली दो मोड्स होते हैं आपके, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, इसके मेनली टू मोड्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड क्या पढ़ा था हमने, हीटरोट्रॉपिक। हीटरोट्रॉपिक मोड, ये दो मोड आपने पढ़े थे। ठीक है, इसमें फर्स्ट चैप्टर मेनली हमने ये डिस्कस किया था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें कौन आते हैं आपके, ऑटोट्रॉप्स, AUT। ठीक है, हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन आते हैं आपके, हीटरोट्रॉप्स। इसके आगे भी थ्री कैटेगरीज हैं, थ्री और फोर कैटेगरीज हैं, इसकी नहीं है कैटेगरी, इसमें मेनली क्या आते हैं आपके, ऑटोट्रॉप्स। अब बात आती है कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, विच मेक देयर ओन फूड। उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। उनके मोड को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो अब आप ये मत सोचना कि सर हम तो घर पे खाना अपने आप बनाते हैं, मेरी मम्मी खाना अपने आप बनाती है तो हम भी इसमें आएंगे। नहीं बेटा, आप उसमें ऑटोट्रॉप्स में नहीं आओगे। आप इसका मीनिंग क्या है कि जो खाने की चीजें हैं आपकी, जैसे आप सब्जी बना रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या लिया आपने, गाजर ली, मूली, आलू लिया, तो वो गाजर आलू जो है आपका वो कहां से लेके आए आप, मार्केट से लेके आए ना, और मार्केट वाला सब्जी वाला जो वो कहां से लेके आया, पेड़ों से लिया उसने, गाजर को उखाड़ा, गाजर का पेड़ था, ठीक है, या आलू को, आलू कहां से मिला, आलू के पेड़ से मिला उसको, तो वो आपने तो नहीं बनाए ना अपने आप, आपकी मम्मी ने तो नहीं बनाया अपने आप, वो कहां है, आपको प्लांट से मिल रहे हैं, तो प्लांट्स ने उनको प्रिपेयर किया है। तो इसका मतलब क्या है कि प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, तो जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या आएंगे आपके, ग्रीन प्लांट्स। कौन आएंगे इसमें मेनली आपके, ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि पेड़ जो है अपने खाना खुद बनाते हैं, किससे, बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो वो इसमें आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे इसमें, ग्रीन प्लांट्स मेनली क्या होते हैं इसमें, ग्रीन प्लांट्स को हम रखते हैं। ओके, ये तो था आपका ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो हमने चैप्टर फर्स्ट में भी इसको पढ़ लिया था। अब आता है आपका हीटरोट्रॉप्स। हीटरोट्रॉप्स क्या होते हैं भाई, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं। जैसे देखो, मैंने एग्जांपल दिया था कि आप देखते हो कि सब्जी जो है बनाते हो मार्केट से लेके आते हो फिर उसको बनाते हो। क्या कभी आपने देखा कि कोई इंसान के यहाँ से लौकी निकल रही है, यहाँ से गाजर निकल रही है, यहाँ से आलू उगा हुआ है ना, यहाँ से उसने खा लिया सब्जी, पेट भर गया उसका, ऐसा कभी होता है, नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, किस पर डिपेंड है खाने के लिए। जैसे आप एप्पल खाते हो, एप्पल कहां से लेके आते हो, मार्केट से, मार्केट वाले ने एप्पल कहां से लिया, पेड़ से तोड़ा है ना, तो आपको खाना कहां से मिला, उस प्लांट से, उस पेड़ से मिला, तो आप क्या हो गए अपने खाने के लिए, क्या हो गए, प्लांट के ऊपर डिपेंड हो गए, है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें, विच डिपेंड्स ऑन अदर्स, जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड हो उनको हम क्या बोलते हैं, हीटरोट्रॉप्स बोलते हैं। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड, विच
डू नॉट मेक देयर ओन फूड। ऑन फूड, ठीक है, जो अपना खाना अपने आप नहीं बना सकते भाई। तो अपना खाना अपने आप कौन नहीं बना सकते? प्लांट्स तो हमने पढ़ लिया, वो इसमें आते हैं। तो बाकी कौन बच गया? एनिमल्स बच गए और ह्यूमन बींग्स बच गए। तो वो सब किस में आएंगे? आपके हीटरोट्रॉप्स में आएंगे। एग्जाम्पल क्या होगा आपका? सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? ह्यूमन्स। कौन है आपके एग्जाम्पल? सबसे बड़ा ह्यूमन्स है। और कौन से हैं? एनिमल्स। और क्या है आपके? एनिमल, ठीक है। तो हम सब किस में आते हैं? हीटरोट्रॉप्स में आते हैं। और हमारा, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या है? हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन के बाद अब बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसका सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या आता है आपका? फूड हैबिट्स इन एनिमल्स, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, ये कर लेते हैं हम। ये बहुत इजी टॉपिक है आपका और ये चैप्टर भी बहुत इजी है। देखो, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स में हमें क्या पढ़ना है? इसमें मैंने हमें क्या पढ़ना है कि जो खाना जो हम खाते हैं, ठीक है, हमारे खाने की आदतें कैसी है, मीन हमें कैसा कैसा खाना पसंद है, हम कैसा कैसा खाना खाते हैं, उसके बेस पे आप जो खाना खाते हो, किस टाइप का खाना खाते हो, उसके बेस पे आप एनिमल्स को कैटेगरीज में, पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो कैटेगरीज, वो पार्ट्स कौन कौन से, वो हमें पढ़ना है। ओके, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ऑन बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स की बेसिस पे एनिमल्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज, ठीक है। फूड हैबिट्स के बेस पे एनिमल्स को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। वो तीन कैटेगरीज कौन कौन सी? उसमें सबसे फर्स्ट आते हैं आपके कार्निवोर्स, या जिनको कार्निवोरस एनिमल्स भी हम बोलते हैं। सेकंड आते हैं आपके हर्बीवोर्स, थर्ड वन इज आपके ओमनिवोर, थर्ड वन होंगे आपके ओमनिवोर। ओके, चलो अब हमें वन बाय वन इनको डिस्कस करना है। देखो, अगर इसको समझने से पहले, अगर मैं आपको, मैं इनको सबको डिफाइन करने से पहले अगर मैं आपको सिंपल से इनके एग्जांपल लिख दूं, अगर मैं इन सबके एग्जांपल्स लिख दूं, तो आप इनको शायद एग्जांपल से भी समझ जाओगे, ठीक है। इतनी इजी है ये कि आप इनको एग्जाम्पल से भी समझ जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिखता हूं पहले मैं। कार्निवोर होता है टाइगर, लॉयन, ये दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हर्बीवोर को लेके चलते हैं हम, काउ, बफेलो। ओके, ओमनिवोर को लेके चलते हैं हम, ह्यूमन, डॉग्स, कैट्स, ठीक है। तो क्या इन एग्जाम्पल्स को देख के आपको इनके बारे में समझ में लग रहा है कुछ कि सर ये क्या है क्या नहीं है? कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको? अगर मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं मिल रही तो भी कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है, कुछ भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, कार्निवोर्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश मीट खाते हैं, ठीक है। देखो क्या एग्जाम्पल लिखा मैंने, टाइगर एंड लोयन, क्या लिखा मैंने? टाइगर एंड लोयन, ठीक है। क्या आपने देखा कभी शेर को, चीते को घास खाते हुए, है ना? नहीं देखा? चाउमीन खाते हुए देखा कभी? बर्गर पिज्जा खाते हुए देखा कभी आपने? सेब खाते हुए देखा उसको? नहीं देखा ना आपको? तो आप क्या देखते हो हमेशा टीवी में, मूवीज में, सीरियल्स में, कभी भी देखते हो आप तो क्या देखते हो? टाइगर और लोयन जो है वो हमेशा क्या खाते हुए दिखाई देते हैं आपको? फ्लैश, किसी और एनिमल को मार के उसका मीट, उसका फ्लैश खा रहे होते हैं, है ना। तो कार्निवोर्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ओके, लिखो, एनिमल्स विच ईट फ्लैश, या फ्लैश को हम मीट भी लिख सकते हैं, मीट ऑफ अदर एनिमल्स। ओके, है ना इजी। चलो अब इस वर्ड को देखो, हर्बीवोर्स,
हर्बीवोर में एक वर्ड जो आ रहा है आपका, अगर इसको हम डिवाइड करते क्या बन रहा है, हर्ब, क्या बन रहा है, हर्ब, जड़ी बूटी, घास फूस, है ना। तो ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स से अपना खाना लेते हैं, घास फूस खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं। देखा ना आपने गाय को, बफेलो, भैंस को हमेशा क्या खाते हैं, घास चरते हुए दिखाई देते हैं आपको, देखते ना आप। तो ये क्या है आपके, हर्बीवोर्स, विच ईट, विच ईट्स ग्रीन प्लांट्स, जो हरे पेड़ पौधे घास फूस खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं। ओके, लास्ट बच गया आपका ओमनीवोर। भाई हमने मीट वाला पढ़ लिया, हमने फ्लैश वाला पढ़ लिया, क्या बच गया आपका, हर्बी घास फूस वाला हमने पढ़ लिया, पेड़ पौधे वाला। अब कौन सा बच गया जो क्या हो, दोनों को खाता हो, ओमनीवोर मीन्स जो दोनों चीजें ही खाते हो, ठीक है ना। दोनों चीजें खाने वाले को हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोर। दोनों चीज का क्या मतलब है सर, दोनों चीज से मीनिंग है बेटा कि जो दूसरे एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, और इसके अलावा घास फूस फल फ्रूट भी खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, विच ईट बोथ, विच ईट्स बोथ प्लांट, प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ओके, जो प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का मीट, फ्लैश, मांस जो है उसको भी खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोर बोलते हैं। ओके, फूड हैबिट्स के बेस पे एनिमल्स को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट कार्निवोर्स, जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश मीट खाते हैं, जैसे टाइगर, लायन। सेकेंड हर्बीवोर्स, ऐसे एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे, ग्रास पे डिपेंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं, जैसे काउ, बफेलो। थर्ड ओमनीवोर, ओमनीवोर क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश मीट खाते हैं, साथ के साथ क्या करते हैं, प्लांट्स पे भी डिपेंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, डॉग्स, इंसान भी खाते हैं मांस और फल फ्रूट सब्जियां खाते हैं, इसके अलावा वो जो डॉग्स यहाँ पे कुत्ते हैं वो भी क्या होते हैं, दूसरे एनिमल का फ्लैश मीट खाते हैं, और आप रोटी वगैरह डालते हैं वो भी खाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोर। फूड हैबिट्स के बेस पे जो तीन कैटेगरी थी वो हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है हमें, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, इसमें देखो हम क्या पढ़ेंगे, हमें अब तक हमें पता लग गया, क्या पता लग गया, कि जो न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स को वो किससे मिलता है, फूड से मिलता है, किससे मिलता है आपका, फूड से। तो क्या लिख सकते हो आप, एनिमल्स, एनिमल्स किस में आते हैं, हिटरोट्रॉप्स में, ठीक है। तो आप ऐसे लिखो, हिटरोट्रॉप्स गेट देयर न्यूट्रिशन, गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। एनिमल्स को न्यूट्रिशन जो है, पोषक, पोषण जो है वो कहां से मिलता है, उनके खाने से मिलता है, फूड से मिलता है। हिटोट्रॉप्स की हम बात कर रहे हैं, तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ, हिटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। लेकिन हिटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो भी आगे तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो तीन कैटेगरीज कौन कौन सी है, देखो, फर्स्ट कैटेगरी होती है आपकी सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड होता है पैराजाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैराजाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड वन इज होलोजोइक, थर्ड क्या आता है आपका, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हिटोट्रॉप को आगे इन तीन कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या आता है आपका, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे फर्स्ट क्या आता है आपका, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वो न्यूट्रिशन जिसमें एनिमल जो है वो दूसरे किसी प्लांट की या एनिमल की डेड बॉडी जो है उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या आता है आपका, पैराजाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पैराजाइट्स मीन्स परजीवी, जो किसी और की बॉडी के ऊपर जीवित रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो दूसरे की बॉडी के ऊपर जिंदा रहते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। जैसे अमरबेल, आपने नाम सुना होगा,
ठीक है, या इसके अलावा लीच जैसे हम बात कर लेते हैं। तो ये अमरबेल क्या है, ये एक प्लांट है एक टाइप का, ये क्या करता है दूसरे प्लांट्स की ऊपर रहता है, उनसे क्या करता है खाना लेता है और क्या करता है बदले में उनको कमजोर करता है, तो वो क्या है पैरासाइट है। ठीक है, ऐसे ही एनिमल्स में भी कुछ पैरासाइट होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। थर्ड आता है आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, पहले फूड को खाने को जो फूड आर्टिकल्स है उसको बॉडी के अंदर लिया जाता है, इंजेशन किया जाता है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है ब्रेक डाउन करते हैं उसका और उससे क्या लेते हैं एनर्जी लेते हैं। ये मोड जो है आपका मेनली ह्यूमंस में होता है, तो इसको हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, नेम द मोड बाय विच ह्यूमंस टेक देयर न्यूट्रिशन, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन का नाम बताओ जिससे ह्यूमंस अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो कौन सा होगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ठीक है,